बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने को लेकर भाजपा नेता व भू माफियाओं द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले को लेकर पुलिस ने 8 नामजद सहित 16 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन रेंजर ने बताया कि भू माफिया भाजपा नेता है और जिन्होंने वन रेंजर को फोन द्वारा अभद्रता करते हुए मारने की धमकी दी थी और जिसको लेकर रेंजर ने दर्जनों के नाम बताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वहीं बताया गया कि दबंगों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी सभी लोग पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामला देखिए, मैं यहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और माननीय डीएम और डीएफओ साहब के आदेशों के क्रम में हम लोग जो है सुजानपुर खादर आरक्षित वन ब्लॉक में लोकल किसानों ने जो जमीनें पर अपनी फसल बो रखी है बहुत वर्षों से उसको हम खाली करा रहे थे। पहले हमारे द्वारा सर्वे कराया गया, सर्वे करा कर सीमांकन क्लियर किया गया, क्लियर होने के बाद सबकी सहमति से उसको हम खाली करा रहे थे।